मऊगंज के वरिष्ठ समाज सेवी एडवोकेट मृगेन्द्र सिंह के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें होने वाली रामकथा को लेकर उन्होंने विभिन्न जानकारी साझा की। रीवा जिले के हनुमनाथ तहसील के अंतर्गत ग्राम गौरी स्थित मर्यादपुर में नवनिर्मित सियाराम कुटीर में 12 मार्च से 20 मार्च तक रामकथा का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर वरिष्ठ समाज सेवी एडवोकेट मृगेन्द्र सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित की है। वहीं राम कथा वाचक के रूप में पद्म भूषण से सम्मानित चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्यपाद स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज द्वारा 12 मार्च से 19 मार्च तक लगातार राम कथा रूपी त्रिवेणी बहाएंगे। वहीं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, प्रख्यात भजन गायक अनूप जलोटा के साथ अनेक राजनैतिक व सामाजिक जानी मानी हस्तियां पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा की सदस्यता ले चुके एडवोकेट मृगेन्द्र सिंह सेंगर ने मऊगंज जिला को लेकर भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मऊगंज जिला को लेकर कई वर्षों से संघर्ष चल रहा था, उन संघर्षों की जीत हुई है। आज यहाँ सियाराम कुटीर में जो राम कथा का आयोजन किया गया है 12 मार्च से, इसमें जगत गुरु स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज आ रहे हैं, उसी विषय में आप सबका मार्गदर्शन लेने के लिए और कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो ईश्वर की कृपा से, इसी संबंध में आप सबको यहाँ बुलाएंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी? कार्यक्रम 12 मार्च से शुरू होगा, कलश यात्रा से प्रारंभ होता है जैसे हमारी संस्कृति है, और वो 20 मार्च तक अनवरत चलेगा। 20 मार्च को भजन संध्या है, भजन सम्राट अनूप जलोटा जी के द्वारा। कार्यक्रम जो 12 तारीख से आपका प्रारंभ होगा, तो प्रथम दिवस शुभारंभ अवसर पर और कौन कौन विशेष लोग आ रहे हैं? प्रथम दिवस पे स्थानीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सांसद विधायक, सीधी सांसद जी ने भी कहा है, राज्यसभा के सांसद जी ने भी कहा है कि हम सब 12 को आएंगे क्योंकि 13 तारीख को सदन है, और कई महासंतों भी आने की बात हो रही है। इसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं बागेश्वर धाम महाराज। कौन सी तारीख को आ रहे हैं? ये तारीख तो आज तय हो, इतने दिन रहेंगे ऐसा वो एक दिन रहेंगे महाराज जी, तो पूरे दिन रहेंगे तुलसी पीठाधीश्वर जी जी उसी के बुखार बिंदु से। और कई शीर्ष नेताओं की चर्चा की? नेताओं को तो आना है, जिससे जब डेट आएगी तो हम अवगत करा लेंगे, जैसे कि जैसे कई लोगों का नाम जी वाले उनके अपने प्रोटोकॉल होते हैं। सुना गया है देश के बड़े गायक कलाकार भी उपस्थित हो रहे हैं। अनूप जलोटा जी आ रहे हैं, भजन सम्राट है, पद्मश्री है। कितने तारीख को आएंगे? 20 तारीख को उनका कार्यक्रम 2 से 7। इस पूरे कार्यक्रम में कितने लोगों के आने की आशंका है? प्रथम दिवस से लेकर के समापन तक क्या आपने व्यवस्था कर? यहाँ हम लोग का जो आकलन है कि 20-25 हज़ार लोगों से शुरुआत होगी और लाखों प्रतिदिन भंडारा भी चलेगा, इसका भंडारा चलेगा। अभी पूरे कार्यक्रम के जो ये आपने रूपरेखा बनाई है, रचना की है, कितने एकड़ में यह कार्य? ये 9-10 एकड़ का परिसर है, बाकी यहाँ पे तो काफ़ी जमीन है, लेकिन जो परिसर है 9-10 एकड़ ये आराम कुटी का। इस पूरे कार्यक्रम में काफ़ी इन्वेस्ट भी हो रहा है, इसका क्या? सब त्वरियम वस्तु गोविंदम सब समर्थ पर वाले की कृपा से हो। अभी आपके द्वारा भाजपा की सदस्यता मिली है, अब राजनीति तो धर्म को जोड़ेंगे तो अच्छा नहीं है, बाकी बताएं आप जी लिए बोल लें बोल। आगे की क्या तैयारी है? ये विधानसभा इलेक्शन की मतलब आपकी दावेदारी के हिसाब से ये कदम था कि देखें, ऐसा है कि परिस्थिति के हिसाब से जो भी निर्णय तो हम और आप सिद्धांत वाले लोग हैं जी, उसूलों पर चलने वाले लोग हैं, जहाँ हमारे बारे में आप सब जानते हैं, और आप सबका इसने आशीर्वाद हमें हरदम मिलता है, और जो भी निर्णय होगा वो पार्टी उचित निर्णय लेगी उस निर्णय। और आप सशक्त दावेदारी होगी? दावेदारी तो होगी, आप सबकी आवाज़ है, जनता की आवाज़ है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कल जिले की घोषणा की है,
और उसका श्रेय विधायक जी ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सपोज दैट यदि विधायक जी को ही टिकट पुनः दिया गया तो क्या आप लोकसभा की तैयारी करेंगे या आगे कोई प्लान? क्या जिस दिन मैं भोपाल से लौट रहा था मेरे को लक्ष्मण तिवारी जी मिले थे, उन्होंने कहा कि मैं ये लंबे समय से इसकी मांग भैया रख रहा था। मैंने कहा चलिए आपका फलीभूत होने वाला है, मैं भी सीएम साहब से मिला और इस बात को रखा था, जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई आंदोलन हुए, जिला अधिवक्ता संघ, ये जो अपना मऊगंज अधिवक्ता संघ है, संतोष मिश्रा जी हैं और सम्मान्य प्रदीप सिंह जी हैं और तमाम ऐसे लोग थे कि यहाँ मऊगंज जिले को लेके एक लंबे अरसे से ये मांग चल रही थी। उन्होंने कहा कि जब मैं 11वीं में पढ़ता था तब से प्रदीप सिंह जी कल कह रहे थे, तो ये लंबे समय से मांग चल रही थी और इसमें बहुत लोगों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग है, कई जन आंदोलन हुए, विचार गोष्ठी हुई, तरह तरह के लोगों ने ज्ञापन दिया। कल सम्माननीय गिरीश गौतम जी भी यही बातें कर रहे थे कि बहुत अरसे से मांग चल रही है और सबका कहीं ना कहीं योगदान था, मैं सबको धन्यवाद दिया। सामूहिक लड़ाई जी जी और ये सफल हुआ और कल हमसे सुनौरी के बहुत लोग मिले थे, वो कह रहे हैं कि हमें भी मऊगंज में जुड़ना है, तो ये बड़ा आंदोलन है अपने इस क्षेत्र का, उससे सफल हुआ। मैं पीएम साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और आप सब ने भी मीडिया के माध्यम से इस आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाया, तो आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं, आप लोगों का भी योगदान। तो ये जो बात उठ के आ रही है, चूंकि इसी जिले के मुद्दे को लेकर के अपनी टिकट की दावेदारी वर्तमान विधायक जी ठोक रहे हैं, सपोज दैट अगर पार्टी ने उन्हीं को रिपीट किया तो आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप लोकसभा की तैयारी करेंगे या और कोई आपका कदम होगा? समय के हिसाब से निर्णय होगा, लेकिन जो भी पार्टी निर्णय लेगी उचित लेगी और अपन कोई ऐसा नहीं है कि अशाक्त भाव से राजनीति कर रहे हैं कि नहीं हमें पद चाहिए। हम तो अभी विगत 10 साल 11 साल हो गए हमें और हम राजनीति में सक्रिय हैं, लोगों को जितनी हमसे हो सकता है उतनी हम मदद करते हैं। तो कोई ऐसी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा या कोई ऐसी बात अपने मन नहीं है, हम तो जनसेवा करना चाहते हैं और आप सबके आशीर्वाद से आज कोई स्थिति है कि अपनी जनाधार है, लोग हैं। आपने अभी भाजपा की जो सदस्यता ली और आप नामचीन समाज सेवी और नेता के रूप में जाने जाते हैं, तो किन किन बड़े नेताओं से अभी तक आपके संपर्क हो चुके हैं भाजपा से और कहीं ना कहीं आपको आश्वासन भी कुछ मिला होगा? मेरे तो तमाम जितने राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के नेता हैं सबसे बात, आप कुछ नाम लेना चाहेंगे ऐसे बड़ी नाम तो जिनसे आपके संपर्क में जैसे हुए हैं, चर्चा आ रही है अमित शाह जी के, बी डी शर्मा जी के, आपके सबसे मुख्यमंत्री जी के, सबसे मुख्यमंत्री जी से भी मैं मिला, बी डी शर्मा जी से भी मिला और संगठन में हितानंद जी से मैं मिला। क्या टिकट के शर्त पर आपकी वापसी भाजपा में ज्वाइनिंग हुई कि नहीं? हम तो कोई शर्त वाले नहीं थे, हमसे जिला के लिए जरूर कहा गया था, हम लखनऊ थे उस समय जब हमें बुलाया गया, तो ये था कि जिला बन रहा है आपका सहयोग से ही आप आ जाए, कोई शर्त नहीं रखी क्योंकि जिला ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पद तो मिलेगा आएगा जाएगा, लोकतंत्र 5 साल के लिए पद होता है, तो पद उतना महत्वपूर्ण नहीं था न आगे भी नहीं रहेगा। वो गौड़ है, पहला है अपना विकास क्षेत्र का, लोगों की भलाई, लोगों का रोजगार, लोगों का स्वास्थ्य, लोगों की शिक्षा, इससे हमारे आने वाली पीढ़ियां शिक्षित हों, इस दिशा में काम होना चाहिए और हम सब आपको सबको मिल के इसको काम को करना है। कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के भी नेता पहुँचने की उम्मीद है? हाँ जी, एक दो जरूर नेता आएंगे और प्रदेश स्तर के भी नेता आएंगे।